फैमिली आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है एलके और मस्ती। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आ गया हूँ डायमंड कार बाजार, क्योंकि आप सबको काफी पसंद है डायमंड कार बाजार और यहाँ से काफी लोग गाड़ी भी परचेज करके ले गए हैं हमारी वीडियो के थ्रू। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कश्मीर तक के लोग आकर के गाड़ी इस कार बाजार से ले गए हैं। तो आइए चलते हैं, आज आपको दिखाते हैं जो नई गाड़ी यहाँ पर आई हुई है वो आज दिखाते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। कुछ दिन बाद मैं आया हूँ, काफ़ी दिन बाद यहाँ पर आया हूँ, लगभग मुझे लग रहा है कि इस महीने पूरा महीना वीडियो नहीं आया डायमंड कार बाजार का, लेकिन कुछ नया अभी आया है कलेक्शन गाड़ियों का जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आइए चलते हैं, एक एक करके सारी गाड़ियाँ देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और इधर मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा मैं इधर बिजी चल रहा था, काम थे कुछ पर्सनल घर के, इस वजह से नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब प्रॉपर वीडियो डेली आएंगी। तो आइए चलते हैं और एक एक करके सारी गाड़ी दिखाते हैं और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें आप ताकि हर संडे को मैं आपसे फेस टू फेस बात कर सकूँ लाइव इंस्टाग्राम पे। मैं खुद चाहता हूँ कि आप सबके सवालों का जवाब मैं उस पर दूँ जो भी आप सब कमेंट्स करते हैं। तो कमेंट्स का अगर मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो कम से कम आप संडे को हमसे इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहली गाड़ी जो हम दिखाना चाहते हैं, हमारे साथ हैं आज भाई साहब डायमंड कार बाजार से, क्या नाम है आपका? मोनू भाई। तो हमारे साथ हैं मोनू भाई और इससे पहले राजेश भाई रहते थे लेकिन आज राजेश भाई आए नहीं हैं, तो आज हमारे साथ मोनू भाई हैं। मोनू भाई बताएंगे कि ये गाड़ी जो है कौन सा मॉडल है, क्या है। ये देखिए एक्टिवी खड़ी हुई है और ये UP 44 नंबर है, यानी कि सुल्तानपुर का नंबर है इस गाड़ी का। और अगर इस गाड़ी की बात करें कि ये गाड़ी मॉडल कौन सा है तो भाई बताएंगे 2012 का मॉडल है। तो 2012 का मॉडल, फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये। और गाड़ी की कंडीशन जो है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका रेट क्या है और चली कितनी है। तो सबसे पहले आइए इसको देख लेते हैं अंदर बाहर से गाड़ी क्या कह रही है। तो गाड़ी को आप इस साइड से देखिए पहले तो, कि इसमें इधर स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, गाड़ी बिल्कुल साफ है। ये आप देखिए टायर की कंडीशन, ये आप देख सकते हैं। और ये W8 सबसे टॉप वाला मॉडल है और इसको पीछे से भी आप देखिए कि पीछे भी गाड़ी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और ये लाइट थोड़ा चेंज करानी पड़ेगी आपको, ये लाइट टूटी हुई है। बाकी आइए इसको देखते हैं अंदर से कि अंदर से इसकी कंडीशन क्या है। तो अंदर से भी आप देखिए, अंदर से भी गाड़ी बढ़िया है, साफ है, चली है और अच्छी कंडीशन है। और ये 85,000 चली है। तो अंदर से इसका इंटीरियर भी अच्छा है और गाड़ी ठीक है। और एयरबैग वगैरह इसमें जो होते हैं वो लगभग 6 एयरबैग होते हैं इसमें। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें स्टेयरिंग में हो गया, एक उस तरफ हो गया, एक उधर है और एक इस तरफ सामने है, मतलब कि 6 एयरबैग इस गाड़ी में है। तो काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, टॉप मॉडल है। इस साइड से भी देखिए आप, इस साइड से भी गाड़ी में स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, तो इस साइड से भी ठीक ठाक है गाड़ी। तो दोस्तों एक गाड़ी ये भी है जो आप सबकी काफ़ी पसंदीदा गाड़ी है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है स्कॉर्पियो और S2 है ये। वाओ, यानी कि S2 ये आप सबकी पसंदीदा गाड़ी है। जो भी हमारे गोरखपुर, बलिया, देवरिया, गोंडा और बहराइच के भाई लोग हैं हमारे, वो सब ज़्यादा पसंद करते हैं इस गाड़ी को क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस जो रहता है वो कम रहता है ना। बुलेरो वाला इंजन है, M2DI, तो M2DI इंजन है बुलेरो वाला इसमें। और इसका एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज भी लगभग 14, 15 और 16 तक की भी गाड़ी ये देती है एवरेज। तो इसको आप इस तरफ से, इस साइड से भी देखिए, इस साइड से भी गाड़ी मतलब जो है बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है, इसमें कहीं स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। अगर बात करें इसके टायर की तो मैं पिछले टायर की जो बात करूँगा तो लगभग मान के चलिए इसमें 40% माल है। और पीछे आगे के टायर की बात करेंगे तो आगे के टायर जो है वो बिल्कुल न्यू टायर हैं, यानी कि मान के चलिए इसमें 95% माल है इस टायर में। उसके बाद फिर बात करते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं कि अंदर से गाड़ी का क्या इंटीरियर वगैरह कैसा है। तो वो भी आप देखिए अंदर से भी, तो अंदर से भी गाड़ी ठीक ठाक है और इसमें चारों विंडो पावर हैं, बाकी पूरी नॉर्मल है गाड़ी।
पावर स्टेयरिंग है, एसी, हीटर, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये इस तरफ से भी दिखा देते हैं ज़रा सा। गाड़ी के सीट कवर वगैरह ठीक है अंदर से, और अब गाड़ी का उस साइड भी दिखा देते हैं आपको कि उस तरफ से भी गाड़ी कैसी है। तो इस तरफ से भी गाड़ी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। तो ये बताइए कि ये गाड़ी जो है ये मॉडल कौन सा है? 2016 का मॉडल है। लगभग चली कितनी है ये? 65,000। तो 65,000 के आसपास ये गाड़ी चल चुकी है। और ओनर फर्स्ट टाइम पर? अच्छा, प्राइस क्या रखा है इसका आपने? 8 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, तो 8 लाख रुपए जो मांग रहे हैं फिक्स है या इसमें मतलब डिस्काउंट भी होगा? मतलब थोड़ा डिस्काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि फिक्स है। तो दोस्तों ये फिक्स प्राइस नहीं है, इसमें डिस्काउंट भी होगा और वो आप कॉल करके पता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, बाकी स्क्रीन पे भी मैं स्टार्टिंग में दे देता हूँ नंबर, तो आप कॉल कर सकते हैं कार बाजार पे। और जो भी गाड़ी दिखा रहे हैं किसी के रेट फिक्स नहीं है, सब में निगोशिएबल प्राइस है, कम होगा। तो ये मत सोचिएगा कि जो प्राइस बताई जा रही है वो फिक्स है, ऐसा नहीं बिल्कुल। फिर आपको दिखाते हैं हम कम बजट में 2006 मॉडल की स्कॉर्पियो, और ये भी दिखा देते हैं पहले। ये कौन सा मॉडल है? 12 मॉडल। ये 12 मॉडल की SLE। अच्छा, तो दोस्तों ये 12 मॉडल की SLE है, और SLE मतलब कि इसमें विंडो तो पावर हो गए, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, केवल एयरबैग वगैरह नहीं है। तो पहले तो इस साइड से गाड़ी आप देखिए, सेकंड टॉप है ना। तो गाड़ी इस साइड से भी मतलब बढ़िया है। अगर टायर की बात करें तो टायर गाड़ी टायर चारों टायर बिल्कुल न्यू पड़े हैं, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू टायर हैं इसमें। और उस साइड से भी आप देख लीजिए, उस साइड से भी दिखा दीजिए। 5 लाख आ जाओगे। तो गाड़ी के इंटीरियर की कंडीशन भी आप देखिए कि अंदर से गाड़ी ठीक ठाक है, और सीट कवर वगैरह जो लगे हैं वो भी ठीक हैं, चारों विंडो पावर हैं, पावर स्टेयरिंग है, और म्यूजिक सिस्टम सोनी का लगा हुआ है इसमें। पीछे से भी आप देखिए सीट वगैरह, और ये 7 सीटर गाड़ी है। तो ये 2012 मॉडल है, एक नंबर बता रहे हैं, पता बता रहे हैं भाई, ये 2012 मॉडल है ना जी। और ये ओनर फर्स्ट है? फर्स्ट ओनर। अच्छा, और इसका प्राइस क्या है? ये 5 लाख 10 हज़ार। 5 लाख 10 हज़ार डिमांड है, बाकी निगोशिएबल प्राइस है। और एक चीज़ पूछना भूल गए, जो कि चली कितनी है? 75,000। दोस्तों 75,000 किलोमीटर केवल चली हुई है, बाकी इसके लिए आप बात कर सकते हैं, नंबर मिल जाएगा आपको। आइए दूसरी गाड़ी और देखते हैं, जो कि हमने बताया था 2006 मॉडल, चेक करो। तो एक ये भी गाड़ी है जो कि 2006 मॉडल है, ये 6 है ना, और चली कितनी है? ये चली है 85,000 किलोमीटर। और मॉडल वो क्या है इसका? ओनर ओनर सेकेंड ओनर है, सेकेंड ओनर है। एक बार गाड़ी पहले आप देख लीजिए दोनों तरफ से। टायर की कंडीशन सही है, दिखाइए ना। गाड़ी में टायर की कंडीशन ठीक है, बाकी अंदर से इंटीरियर भी देख लीजिए। ये गाड़ी जो दिखाई है आपने, ये 2006 मॉडल है, 75,000 चली है, सेकेंड ओनर है, प्राइस बता दीजिए इसका। कौन सी लेके जाना है? 2,90,000 डिमांड है, बाकी निगोशिएबल प्राइस है। तो दोस्तों फिक्स नहीं है, 2,90,000 रुपये बता रहे हैं, बाकी जब आप यहाँ पर आएंगे तो उसमें कम होगा, निगोशिएबल होगा प्राइस।
उसके बाद फिर ये गाड़ी खड़ी हुई है जेलो, जो कि आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं, और ये 2009 मॉडल जेलो है। गाड़ी की कंडीशन पहले आप देख लीजिए, उसके बाद फिर थोड़ी डिटेल बताते हैं इसकी। दोनों साइड से पहले गाड़ी देख लीजिए और अंदर देख लीजिए। गाड़ी में टायर की कंडीशन जो है वो मान के चलिए टायर 40% है केवल। ये गाड़ी का प्राइस जो है वो बता दीजिए, 2009 मॉडल है, चली कितनी है? 75 चली है। अच्छा, ओनर क्या है इसका? सेकेंड ओनर। प्राइस 2,90,000, बाकी नेगोशिएबल प्राइस है। तो 2,90,000 फिक्स प्राइस नहीं है, नेगोशिएबल प्राइस है। जब आप आएंगे यहाँ पर तो उसमें कम कर दिया जाएगा, बाकी आप फ़ोन से पता कर सकते हैं। तो आइए और भी गाड़ियाँ देखते हैं। तो दोस्तों ये गाड़ी जो है ये भी जेलो है, और आप देखिए कि ये जेलो जो है 2011 मॉडल है, UP 75 है ये। और गाड़ी की कंडीशन पहले आप देख लीजिए दोनों तरफ से। तो ये गाड़ी काफ़ी मतलब जगह इसमें कम है, इसलिए अंदर नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो इसका भी बता दीजिए क्या प्राइस है? 3 लाख रुपये 2011 मॉडल है। तो 2011 मॉडल 3 लाख डिमांड कर रहे हैं, फिक्स प्राइस नहीं है। जब आप आएंगे यहाँ पर तो उसमें कम कर दिया जाएगा। और गाड़ी ये ठीक है, गाड़ी टायर वगैरह भी गाड़ी की ठीक है। बाकी आइए और भी दूसरी गाड़ी देखते हैं। दोस्तों एक गाड़ी ये भी खड़ी है, सफारी, टाटा सफारी, जो कि काफ़ी कंडीशन गाड़ी की ठीक लग रही है, क्योंकि इसमें अलॉय व्हील्स भी लगे हुए हैं। बाकी गाड़ी अंदर बाहर से आप लोग को दिखा देते हैं, देख लीजिए तो समझ में भी आ जाएगी कि हाँ क्या कंडीशन है। और बाकी इसमें क्या इसका मांग रहे हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये गाड़ी इधर इस साइड से भी देखिए, स्क्रेचेज़ वगैरह कहीं नहीं है। बाकी ये देखिए अलॉय व्हील भी लगे हुए हैं इसमें। और टायर की बात अगर करें तो टायर लगभग मान के चलिए ये 35% टायर अभी इसमें ये हैं आगे के, बाकी पिछले टायर तो थोड़ा सही है। पिछले मान के चलिए आप 70% अभी उसमें माल है और वो चलेगा टायर। तो अच्छा, ये EX है, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, और छत में भी AC है। तो ये डबल AC है, इसमें छत में भी AC है। और आइए अंदर से भी इसको आपको दिखा देते हैं। तो अंदर से भी आप एक बार देख लीजिए इंटीरियर वगैरह इसका। तो ये अंदर से इसका इंटीरियर है, ऊपर यहाँ पे LCD लगी हुई है, और ये आप देखिए कि यहाँ पर डबल AC है, ऊपर भी है, और पीछे सीटें भी ठीक है। पीछे से भी दिखा दो आगे। और जो गाड़ी का पीछे से लुक आ रहा है वो भी आप देखिए, गाड़ी पीछे से भी ठीक है। यहाँ पर अभी दिक्कत ये है कि बरसात में काफ़ी दिन से मैं वीडियो इसीलिए शूट नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर कच्ची ज़मीन है और बरसात में काफ़ी दिक्कत हो गई थी। यहाँ पर काफ़ी पानी वानी भर जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर अभी गाड़ियाँ हटा दी गई थी, तो इसी वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। बाकी अभी फिर से थोड़ा सा सही हो गया है मौसम, तो यहाँ पर गाड़ियाँ फिर से लाई गई हैं जो भी हैं। तो आइए कुछ गाड़ी बाहर खड़ी हुई हैं उनका भी देख लेते हैं। एटियोस खड़ी हुई है, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो 2013 मॉडल की एटियोस लीवा खड़ी है, ये देखिए। डीजल गाड़ी में काफ़ी अच्छी गाड़ी मानी जाती है, और डीजल से लगभग इसका 20 का माइलेज जो है वो लोग निकाल चुके हैं, और 20 का माइलेज देती है। तो इसे भी आप देखिए, और पहले तो आप थोड़ा अंदर बाहर से इसको साइडें इसकी देख लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं कि ये कौन सा मॉडल, कौन क्या प्राइस है इसका। तो इस साइड से देखिए, और फिर उधर का भी साइड देख लीजिए, उधर भी गाड़ी ठीक है, स्क्रेचेज वगैरह नहीं है गाड़ी में।
तो ये एटियोस लीवा चली कितनी है? सिक्सटी फाइव 65,000 किलोमीटर चली है। ओनर क्या है इसका? फर्स्ट ओनर। तो दोस्तों फर्स्ट ओनर है, और इसका जो आप डिमांड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? 3,25,000। तो 3,25,000 रुपये इसका डिमांड कर रहे हैं, और बाकी नेगोशिएबल प्राइस है, फिक्स प्राइस नहीं है गाड़ी का। तो आइए और भी चल के देखते हैं। और ये डीजल है, तो एक गाड़ी ये भी काफ़ी अच्छी है डीजल में, इको स्पोर्ट, जो कि आप देखिए ये फोर्ड कंपनी गाड़ी है और बेहतरीन गाड़ी होती है, माइलेज काफ़ी अच्छा होता है इसका। और ये टॉप मॉडल है, सेकंड टॉप, तो ये सेकंड टॉप मॉडल है। गाड़ी पहले आप देख लीजिए इस साइड से, और कोशिश करना कि उधर का भी साइड दिखा देना। गाड़ी कंडीशन ठीक है, टायर वगैरह भी गाड़ी में पांचों टायर सही हैं, जो भी गाड़ी में चार चढ़े हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। पीछे वाला टायर थोड़ा ये कमज़ोर लग रहा है, बाकी टायर से गाड़ी बिल्कुल मेंटेन है। और अंदर से इनका इसका इंटीरियर वगैरह भी देख लेते हैं। तो अंदर से आप इसका इंटीरियर भी देखिए, और ये सेकेंड टॉप है ना। ओनर क्या है इसका? फर्स्ट ओनर। तो ये फर्स्ट ओनर है बस। तो इस इको स्पोर्ट का जो डिमांड कर रहे हैं, ये मॉडल कौन सा है? 15 मॉडल है। तो 2015 मॉडल है, चली ये लगभग कितनी है? 75,000 चली है। ओनर फर्स्ट है, और इसका जो डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5.5 लाख रुपये, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है, फिक्स नहीं है। जब यहाँ पर आप आएंगे ऑन टेबल बात करेंगे तो कम हो जाएगा। तो आइए और भी देखते हैं। स्कॉर्पियो बाहर खड़ी है, और एक बुलेरो खड़ी है, वो भी देखते हैं। तो एक गाड़ी ये भी खड़ी है, आप देखिए ये स्कॉर्पियो है, और ये देखिए इस साइड से देखिए गाड़ी में स्क्रेचेस वगैरह नहीं है। टायर की बात करें अगर, तो टायर चारों इस गाड़ी में इसी कंडीशन में है, और बम्फर आजकल अलाउ नहीं है लगाना, इस पर चालान है, इसलिए बम्फर तो निकलवाना ही पड़ता है आदमी को। ये देखिए इस साइड से पूरा गाड़ी दिख रही है, और कंडीशन बढ़िया है इधर से, और मैं आपको पीछे से भी दिखा दे रहा हूँ इसको। तो पीछे से भी गाड़ी ठीक है। अब बात करते हैं मॉडल की, कौन सा मॉडल है ये? 2006 मॉडल है। तो दोस्तों ये 2006 मॉडल है गाड़ी, और इसको आप अंदर से भी देखें, इंटीरियर वगैरह इसका बढ़िया है अंदर से। पीछे सीटें वगैरह भी आप देखिए ठीक है, सीट कवर ठीक है इसका, इंटीरियर बढ़िया है। बाकी चली कितनी है? हाँ चेक करके बता दीजिए चली कितनी है। बाकी इसमें देखिए सिस्टम भी लगा है, 98,000 किलोमीटर चल चुकी है ये। और इसका प्राइस भी बता दो क्या है? 2,90,000। तो 2,90,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, 2006 मॉडल है। बाकी गाड़ी में अगर पैसे कम हो जाते हैं तो गाड़ी बढ़िया है, तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं डायमंड कार बाज़ार में, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, और नेगोशिएबल प्राइस है, फिक्स नहीं है। तो एक ये बुलेरो खड़ी हुई है, जो कि काफ़ी आप लोग डिमांड करते हैं बुलेरो की, तो बुलेरो काफ़ी अच्छी है। और ये UP 35 उन्नाव का नंबर है। दोनों साइड से गाड़ी देखिए आप, टायर की कंडीशन ये है, और पिछला टायर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो पिछला टायर जो पड़ा हुआ है उसकी कंडीशन देखिए, गाड़ी पीछे से देखिए, और ये SLE है। मॉडल क्या है? 15 मॉडल, 2015 मॉडल SLE है। और ये देखिए अंदर से इंटीरियर वगैरह इसका जो है वो बिल्कुल साफ है गाड़ी, अंदर से इंटीरियर ठीक है इसका, सीट कवर वगैरह भी बढ़िया है। और ये पावर विंडो नहीं है, SLE है, क्योंकि पावर स्टेयरिंग और AC है इसमें। और इस गाड़ी का प्राइस बता दीजिए क्या है? 5,40,000। तो 5,40,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं इसका, और ये 2015 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, गाड़ी बढ़िया कंडीशन में और अच्छी है। चली कितनी है लगभग ये? तो
देख करके बता देते हैं कि चली कितनी है। गाड़ी अंदर से काफ़ी अच्छी है, इंटीरियर वगैरह आप देखिए बढ़िया है इसका, सोनी का सिस्टम लगा है और 86,000 किलोमीटर मीटर बता रहा है, 86,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है और ये आपको 540 की मिल जाएगी। और एक स्कॉर्पियो ये भी खड़ी हुई है जो ये SLE मॉडल है ना ये भी, तो गाड़ी ये भी बढ़िया है, पावर स्टेयरिंग पावर विंडो इसमें भी है। गाड़ी इस साइड से आप पहले देखिए, और टायर की कंडीशन जो है वो ये देख लीजिए, टायर भी इस कंडीशन में है। पीछे से गाड़ी में दिखा देता हूँ, पीछे से भी गाड़ी बढ़िया है और इस साइड से भी ठीक है। तो अंदर से आइए देखते हैं इसको, ये मॉडल कौन सा है, 2012 मॉडल है और इसको अंदर से आप देखिए, ये 2012 का मॉडल है। इंटीरियर अंदर से ठीक है, साफ लग रहा है और सोनी का सिस्टम इसमें लगा हुआ है। बाकी ये गाड़ी फर्स्ट ओनर है। तो ये गाड़ी का प्राइस क्या है, 4,90,000। 4,90,000 नेगोशिएबल प्राइस है जो कि कम हो जाएगा। चली कितनी है ये 85,000 किलोमीटर चली, 85 चली है ये। बाकी फर्स्ट ओनर है और 4,90,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, बाकी मिल जाएगी आपको ये कम में, तो आप बात कर सकते हैं इसके लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और अब जल्दी जल्दी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे आप सबके लिए। और बहुत जल्द प्लान कर रहा हूँ जाने के लिए गोरखपुर, क्योंकि आप सब लोग जो है वो कई बार बोल चुके हैं कि भाईजान गोरखपुर के कार बाज़ार कार मार्केट जाइए, वहाँ दिखाइए। तो अभी आगे का जो प्लान है वो गोरखपुर और कानपुर जाने का है, तो गोरखपुर की गाड़ियाँ आएँगी और कानपुर की गाड़ियाँ आएँगी बहुत जल्द, तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और डायमंड कार बाज़ार में तो जो भी था आज वो मैंने दिखाया, क्योंकि डायमंड कार बाज़ार में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी एक महीने से, इस वजह से वहाँ के वीडियो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब प्रॉपर आने वाले टाइम में वीडियो आएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उसको सही करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं उसके जो ओनर हैं सिद्धांत जी। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, कुछ नया करते हुए कुछ नया दिखाते हुए। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दें, और हर संडे मैं आऊँगा इंस्टाग्राम पे लाइव आप सबके लिए, तो प्लीज़ जा करके मेरे जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा। और एक चीज़ की आज मैंने एक अपने नए वाले चैनल पर भी वीडियो बनाया है, जो कि यहाँ का जो पुरानिया कार बाज़ार है वहाँ पर कुछ टायर से रिलेटेड मैं गया था, मेरी गाड़ी में टायर डलाना है, तो टायर वहाँ पे काफ़ी कम रेंज में मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी नए टायर मिल जाते हैं जो ट्यूबलेस होते हैं और काफ़ी रेंज कम होती है उसकी, जैसे कि आपको मिल जाता है जो मुझे मिल रहे हैं पांचों टायर जो जेन के हैं वो 13 नंबर टायर मुझे मिल रहा है केवल 3,500 रुपये में, तो काफ़ी मतलब कम में पाँचों टायर चेंज हो जाएंगे, मुझे खलेगा भी नहीं। और अगर नए टायर में डलाने जाऊँगा तो ये मान के चलिए आपकी कम से कम 10,000 रुपये का खर्चा है एक टायर, अगर देखा जाए तो जेन का ना 10,000 तो 2,200 रुपये का टायर इससे कम नहीं होगा, तो एक टायर 2,200 रुपये का होगा, उस हिसाब से अच्छा खासा खर्च हो जाएगा। तो अभी 3,500-3,500 रुपये में काम चल रहा है, वो मैं चला दूँगा। और टायर भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं जिसमें 90% माल होता है, तो काफ़ी अच्छा चलता है। तो वो वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे नए चैनल पे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा चैनल का, उस पर जाएँ उस पर विजिट करें, और उस पर कुछ अच्छे वीडियो इसी तरीके के डेली के ब्लॉग्स आएंगे, वो आप देखते रहें इंजॉय करते रहें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद।